हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 118। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोग अंडर वाटर एक्सप्लोर करने आए थे, वो भी मोसासोरस को ढूंढने के लिए। मोसासोरस टेम करने का अपना प्लान था। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में काफी ज्यादा ढूंढा, बट मोसासोरस मेरे को यहाँ पे नहीं मिला। बट मुझे जो है ना गाइस, मोसासोरस दिखने वाला एक डाइनो यहाँ पे मिला था, तो मुझे थोड़ा सा फील ऐसा होने लगा था कि डेफिनेटली मोसासोरस जो है ना अपने अगल बगल ही है। तो मैंने डिसाइड करा मैं जो है ना इस एरिया का कोना कोना ढूंढ मारूंगा। देखते हैं गाइस आज अपने को मोसासोरस मिलता है या नहीं मिलता। तो जैसे मैं मोसासोरस के बारे में सोच ही रहा था, एंड यहाँ पे जो है ना गाइस फाइनली अपने को मोसासोरस मिल चुका है। और अभी मेरे को सबसे पहले यहाँ पे इस मोसासोरस का लेवल चेकआउट करना पड़ेगा। भाई 10 लेवल का है और वो अपने मैगलोडॉन के ऊपर अटैक कर रहा है। मैंने कहा अगर यहाँ पे रुका रहा तो डेफिनेटली गाइज मेरे साथ साथ मेरा मैगलोडॉन भी मरेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड ईल है। एंड मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा इच्छतोसोरस की तरह अब मेरा मैगलोडॉन भी मरे। फिर मैंने दिमाग में प्लान आया कि मैं जो है ना मोसासोरस को पानी से बाहर निकालने का ट्राई करूंगा। ज्यादा बाहर नहीं, तो इतना बाहर कि जहां पे इलेक्ट्रोड ईल ना पाए। तो फिर क्या था गाइज, मैं मोसासोरस को अपने पीछे एग्रो करा रहा था कि ये मेरे पीछे आए, एंड मैं जो है ना गाइज इसको आराम से ऊपर लेके जाऊं। बट यहाँ पे क्या सीन है, मुझे ऐसे क्यों लगा गाइज यहाँ पे टुस्सो था। बट यार टुस्सो तो यार काफी ज्यादा बड़ा होता है। टुस्सो नहीं, डेफिनेटली कोई और डाइनो होगा जिसके बारे में अभी अपने को पता नहीं है। बट कोई नहीं गाइज, हम लोग जो है ना मोसासोरस को ऊपर लाने का ट्राई करते हैं। बट मोसासोरस जो है ना गाइज यहीं तक आ रहा है, उसके बाद वापिस एक बारी मैं और ट्राई करता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे इलेक्ट्रोड ईल है एंड मैं नहीं चाहता यार मेरा मैगलोडॉन मरे। तो मैंने डिसाइड करा चलो हम लोग एक नहीं दो नहीं तीन बारी ट्राई करेंगे। अगर मोसासोरस ऊपर नहीं आया तो हम लोग समझ लेंगे कि ये यहाँ से बाहर नहीं आने वाला, तो हमें जो है ना इसको डीप वाटर में ही टेम करना पड़ेगा। जब तक गाइस हम लोग इसको बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइस आप लोग 400 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। और अभी यार मैंने दो ट्राई तो कर लिए हैं बट ये बाहर नहीं निकल रहा है। चलो गाइस एक ट्राई और करते हैं। बट ये एगर फिश जो है ना गाइस लिटरली काफी ज्यादा दिमाग खराब कर देती है। अगर आप लोग इनके अटैक ना करो तो ये आपके ऊपर अटैक करेगा। अगर आप लोगों ने एक अटैक कर दिया ना, उसके बाद ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। बट यहाँ पे गाइज अपने मैगलोडॉन की हेल्थ जो है काफी ज्यादा कम है, तो मैंने डिसाइड करा अभी मैं अपने मैगलोडॉन को थोड़ा सा पैसिव करूंगा एंड मोसासोरस के सामने लेके जाऊंगा। मोसासोरस जो है ना अपने मैगलोडॉन को मारेगा, तो हम लोग इसको ट्रैंकुलाइजर एरोज से इजीली अनकॉन्शियस कर लेंगे। तो यार मैं जो प्लान कर रहा था ना, यहाँ पे गलत सीन हो गया। ये मैगलोडॉन अपने मैगलोडॉन के ऊपर अटैक कर रहा है, बट मेरा मैगलोडॉन पैसिव में तो नहीं है। बट कोई नहीं गाइस, ये भी उसको मारेगा। एंड यहाँ पे मैंने इस मैगलोडॉन को तो मारा, बट अभी मैं जो है ना सबसे पहले तो अपने मैगलोडॉन का हेल्थ फुल करता हूँ। तो आराम से गाइस यहाँ पे मैं अपने मैगलोडॉन के ऊपर बैठ के इसको फूड वगैरह खिला रहा था, क्योंकि फूड से जो है ना गाइस जल्दी हेल्थ रिकवर होता है। अगर नॉर्मली हम लोग रिकवर करने का ट्राई करें तो भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं फूड वगैरह खिला रहा हूँ एंड इतने में तो काम बन जाएगा। चलो गाइस चलते हैं। बट यार यहाँ पे जो है ना ये हैं जेलीफिश। तो यार सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। कई मैं मोसासोरस को टेम करने का ट्राई कर रहा हूँ एंड ये जो है ना अपने को पीछे से करंट का झटका दे दिया। और मैं चाहता नहीं हूँ भाई अपने साथ गलत सीन हो। ओके लेट्स गो, मैं जो है ना फटाफट से उतर चुका, बट मोसासोरस जो है अपने मैगलोडॉन के ऊपर चढ़ गया। भैया अब लगता है गाइस मेरे को अपने ट्रैंकुलाइजर एरोज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेट्स गो, आराम से गाइस इसको हम लोग अनकॉन्शियस करते हैं, जल्दी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं गाइस। अपने पास वैसे भी जो कंपाउंड वो है ना वो अराउंड 700 डैमेज का है, तो लगभग 300 के करीब डैमेज तो जो है ना ट्रैंकुलाइजर एरो से तो आई गई इसमें। ओके गाइस भागने लगा, देखो दो तीन एरो पड़ते यार ये ऐसा भाग रहा है। हाँ ये भाग ना जाए। ओके गाइस ये अनकॉन्शियस हुआ, मजा आ गया। बट अभी अपने को ना सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ये खाएगा एक्चुअली में क्या। बट मुझे लगता है ये मीट ही खाएगा, बट इसको कौन अटैक कर रहा है। देखो
भाई मैं बोला ना, अगर आप लोग एगर फिश को अटैक करोगे ना, तो ये एगर फिश जो है ना आपसे भागने लगेगा। अगर एगर फिश को आप लोग अटैक नहीं कर रहे हो ना, तो भाई एगर फिश आपको मार भी देगा। तो चलो गाइज, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ना इसकी इन्वेंट्री में रखता हूँ बायोटॉक्सिक्स। बट यार यहाँ पे एक काफी गलत सीन हुआ। अब वो सीन क्या है गाइस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड मुझे यहाँ पे पता नहीं था यार, मेरे को जो है ना अपने साथ बायोटॉक्सिक्स काफी ज्यादा लेके आना चाहिए था, क्योंकि मोसोसोरस को जो टॉप पर लेवल है गाइज, एपिक तरीके से उतर रहा है। मैं सोचा नहीं था यार, इतना तो मेरा नेट भी नहीं चलता जितना इसका टॉप पर लेवल डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे कुछ जेलीफिश थी, मैंने कहा कोई नहीं यार, अपने को बायोटॉक्सिक्स तो मिल ही जाएगा। बट एक बुरी प्रॉब्लम गाइज एक हो रहे हैं यहाँ पे, अपने पास यार स्मूथिंग पैम नहीं है भाई। स्मूथिंग, ओ भाई करंट लग गया भाई, तड़प गया मैं। अरे तड़प, ओके गाइज चलो कोई नहीं। ये देखो भाई, एगर फिश चढ़े हुए हैं भैया अपने मैगलोडॉन के ऊपर। बट कोई नहीं गाइज, अपनी मैगलोडॉन की हाल तो ऑलरेडी यार काफ़ी ज़्यादा फुल है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलो यार इसको मैं गिरा ही देता हूँ। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे लगभग रात होने वाली है, और अपने मोसोसोरस को जो टॉर्पर लेवल है गाइज, वो काफ़ी गंदी तरीके से गिर रहा है। मैंने कहा इसी तरीके से रहने गाइज, अपन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं बायोटॉक्सिक्स और लेके आया, आई थिंक इतने से तो काम बन जाना चाहिए। तो चलो यार फटाफट से हम लोग जो है ना मोसोसोरस की इन्वेंट्री में थोड़ा सा फूड वगैरह डालते हैं। बट इसका फूड लेवल तो यार काफ़ी कम है, मुझे लग रहा था यार 10 लेवल का मोसोसोरस है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसी गाइज मैंने इसकी इन्वेंट्री में मीट डाला ना, और इसका टेमिंग इफेक्ट चलने लगा भाई, एक बाइट में लगभग 1.2% एम। मैंने कहा भाई अपना तो गलत सीन हो जाएगा। वैसे भी गाइज इसका टॉर्पर लेवल जो है ना वो काफी गंदी तरीके से जा रहा है, इतना बायोटॉक्सिक है नहीं मेरे पास। अगर मैं यहां पे से थोड़ा सा बायोटॉक्सिक्स ढूंढने जाऊंगा तो डेफिनेटली ये डिस्पॉन हो जाएगा। फिर यार मैं काफी ज्यादा अपसेट सा हो चुका था, बट मैंने ट्राई किया गाइज, हम लोग रिस्क लेगा और देखेगा हो पाता है या नहीं हो पाता। चलो यार अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हम लोग इसका फोटो वगैरह क्लिक कर ले, बट ये आई थिंक अनकॉन्शियस है तो हम लोग फोटो भी क्लिक्स नहीं कर पा रहे हैं भाई, बहुत गलत सीन है गाइज। चलो गाइज कोई नहीं, अब यहाँ पे लगभग मॉर्निंग हो चुका है, एक रात पूरा हम लोग ऐसे ही रहे। अभी इसको फटाक से जो है ना मैं इसकी इन्वेंट्री में डालता हूँ थोड़ा सा मीट वगैरह, देखते हैं गाइज हो पाता है या नहीं हो पाता। वैसे भी इसको ढूंढने में गाइज लगभग मेरे को 2 दिन लगा था। चलो भैया तेरी इन्वेंट्री में मैं थोड़ा सा फूड डालता हूँ, थोड़ा सा बायोटॉक्सिक्स गाइज मेरे को और मिला, लगभग अराउंड हमारे पास 60 बायोटॉक्सिक्स हो चुका है। एंड जैसी गाइज यहाँ पे पहला बाइट लिया, मैंने कहा मैं तो गया। आई डोंट थिंक सो गाइज कि ये टेम हो पाएगा, फिर भी हम लोग ट्राई जरूर करेंगे। बट यार बाद में मैंने 3x स्मूथिंग बम बाय किया, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एंड मेरे पास इतना एमरस था कि मैं 3x स्मूथिंग बम बाय कर सकता था, तो मैंने किया। बट उससे भी गाइज कुछ हो नहीं पाया, वो कैसे वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। एंड अभी गाइज हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड हमारे पास यार वेट करने के अलावा कोई भी और ऑप्शंस यहाँ पर है नहीं। तो ठीक है हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देखते हैं। यहाँ पर मैं सोच रहा था गाइज कि अपने को जेलीफिश वगैरह मिल जाएगा ना, अपने पास लगभग 50-60 करीब बायोटॉक्सिक्स दोबारा से हो जाएगा, तो अपना काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। मैं अगल बगल गया था यार घूमने के लिए, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बट अपने को बायोटॉक्सिक्स कहीं पे भी नहीं मिला। मैंने कहा भाई गलत सीन ये आई, इच्छे तो सोरे से इसको मारता हूँ, क्योंकि इससे अपने को मिलेगा रॉ मीट, फिश मीट भी नहीं रॉ मीट। तो क्या पता रॉ मीट से ये थोड़ा सा जल्दी टाइम हो, तो रॉ मीट लेके आएगा इस। अभी फटाफट से मैं मोसोसोरस की इन्वेंट्री से फिश मीट निकालता हूँ एंड रॉ मीट रखता हूँ। यार कुक मीट भी मैंने इसकी इन्वेंट्री में रखा था, बट उससे भी गाइज इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड अभी अपन लोग देखते हैं रॉ मीट से कितना फर्क पड़ता है। वैसे गाइज फर्क तो पड़ा था, रॉ मीट से अराउंड 2% के हिसाब से टेम हो रहा था। मैंने कहा भाई इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर गाइज यहाँ पर रात हुआ एंड मैंने 3x बम यूज करा, एंड आप लोग देख सकते हो गाइज लगभग 80% यहाँ पर टेम हो चुका था। बट अपने पास यार ना ही बायोटॉक्सिक्स ना ही नार्कोटिक्स, एंड हमें गाइज इसको जाते हुए देखना पड़ा। बहुत बुरा लगता है यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था बट सारे का सारा मेहनत गया। नेक्स्ट टाइम गाइज जब हम लोग आएंगे ना फुल तैयारी से आएंगे, ऐसे तो हम लोग आने वाले नहीं हैं भाई। ये तो गया गाइज, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डार्क है।
एंड मेरे पास गाइस और कुछ ऑप्शंस नहीं था इसको ऐसा जाते हुए देखते, बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार, बहुत मेहनत किया था, बट कोई नहीं गाइस। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिक गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। एंड बस और कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रॉपर टेम करेंगे, फुल कैपेसिटी से आएंगे।